हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ डिमांड एंड इट्स के डिटरमिनेंट्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि डिमांड का मतलब क्या होता है। रजे, डिमांड का मतलब हुआ द टर्म डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय। सो देखो, जब भी मैं डेफिनेशन ऑफ डिमांड पढ़ती हूँ ना, तो मुझे दो बातें का ध्यान रखना है। क्या क्या? फर्स्ट, देयर शुड बी अ विलिंगनेस एंड सेकेंड एबिलिटी ऑल्सो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक कार है, वो मुझे खरीदनी है, विलिंगनेस तो है बट मेरे पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, एबिलिटी नहीं है। तो क्या हुआ, विलिंगनेस एंड एबिलिटी दोनों चाहिए, तभी वो डिमांड में कॉन्स्टिट्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रजे डिमांड के डिटर्मिनेंट्स के बारे में। सो रजे, फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड इज प्राइस। रजे, प्राइस एंड डिमांड का जो रिलेशन है ना, इन दोनों का जो रिश्ता है, ये हमेशा इनवर्स रहा है। मतलब रजे, किसी भी गुड का अगर प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर विल बी हैप्पी और वो डिमांड ज्यादा कर देगा। अगर पहले जो मैं चॉकलेट खरीदती थी उसका प्राइस 60 रुपीज था तो मैं एक चॉकलेट खरीदती थी, लेकिन अगर प्राइस उसका रिड्यूस होके 40 हो जाता है तो हो सकता है अब मैं दो चॉकलेट्स खरीद लूं, है ना। ठीक है, तो प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन उल्टा भी हो सकता है, अगर प्राइस ज्यादा हुआ तो मैं अपनी डिमांड को कम कर दूंगी क्योंकि मैं ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहती। लेकिन जब भी हम प्राइस के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक बात का हमें ध्यान रखना है कि अदर फैक्टर्स को हम ये ले रहे हैं कि दैट दे आर कॉन्स्टेंट, दे आर नॉट चेंजिंग डिमांड, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स से चेंज होती है, और वो बहुत सारे फैक्टर्स कौन से हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कंज्यूमर के, उसकी इनकम, रिलेटेड प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बारे में। सो देयर विल बी आइदर अ फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब क्या हुआ कि लेट से सपोज करते हैं मैं टी पी रही हूँ, चाय पी रही हूँ, लेकिन अब मुझे उससे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, अब मुझे कॉफ़ी चाहिए, अब मैंने चाय छोड़कर कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया, तो देयर इज अ फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ माई टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस टूवर्ड्स कॉफ़ी, जिसकी वजह से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। लेकिन देयर इज अनफेवरेबल चेंज टूवर्ड्स टेस्ट एंड टूवर्ड्स टी, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जब हम कंसीडर करते हैं तो हमें दो इफेक्ट्स के बारे में ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट, नेक्स्ट इज स्नॉब इफेक्ट। डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो दूसरा पर्सन कर रहा है वो मुझे करना है, जो दूसरे पर्सन ने मोबाइल लिया है वो मुझे लेना है, जो दूसरे पर्सन ने डिजाइनर क्लोथ्स पहने हैं वो मुझे चाहिए। इट इज़ ए ह्यूमन साइकी, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट इन विच पीपल डू सेम वट अदर पर्सन आर डूइंग। नेक्स्ट है रजे स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक ऐसा यूनिक कमोडिटी है जो दूसरों के पास नहीं होनी चाहिए, मुझे एक ऐसे डिजाइनर क्लोथ चाहिए जो किसी के और के पास ना हो। मतलब इट इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट। सो ये दो इफेक्ट्स जो हैं ये मैटर करते हैं कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की तरफ, और जिसकी वजह से डिमांड जो है वो हमारी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग कंसीडर करते हैं रजे डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम मतलब वो इनकम मेरे हाथ में जो बच रही है, जिसपे मैं गुड्स और सर्विसेज अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदूंगी। अगर डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, एबिलिटी टू परचेज गुड्स और सर्विसेज बढ़ेगा, मैं डिमांड बढ़ा दूंगी। लेकिन इसका वाइस वर्सा केस भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आते हैं रजे डिस्पोजेबल इनकम में तीन गुड्स काम करते हैं। नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या हुआ, अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, अगर इनकम कम हो रही है तो डिमांड भी कम हो रही है। इन्फीरियर गुड्स का मतलब लो क्वालिटी गुड्स। लो क्वालिटी गुड्स का मतलब क्या हुआ, अगर इनकम बढ़ेगी तो मैं उन लो क्वालिटी गुड्स को यूज करना छोड़ दूंगी, डिमांड कम कर दूंगी। लेकिन इनकम कम होगी तो मैं उन लो क्वालिटी गुड्स को भी खरीदना शुरू कर दूंगी, डिमांड बढ़ गई।
लेकिन ये जो डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्टेक्स्ट है ना, ये एसेंशियल गुड्स के केस में काम नहीं आता है, मतलब नेसेसिटीज। अब जैसे सॉल्ट है, नमक खाना थोड़ा ना बंद करूंगी खाने में, अगर मेरी इनकम कम होती है तो ऐसा तो है नहीं सॉल्ट की कंजम्पशन भी कम कर दूंगी, है ना। चल, सो ये बात थी डिस्पोजेबल इनकम की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन के बारे में। कंज्यूमर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? फ्यूचर में प्राइस कम होंगे तो मैं आज की डिमांड कम कर दूंगी, फ्यूचर में ही खरीद लेंगे। मुझे लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सस्ते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के प्राइसेस कम होंगे, फ्यूचर में ही खरीद लेंगे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। फ्यूचर में इनकम बढ़ेगी, फ्यूचर में एक्सपेंडिचर कर लेंगे, अभी नहीं करते। तो ये कुछ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन है जो हमारे डिमांड को इफेक्ट करती हैं। उसके बाद हम लोग रजे बात करते हैं रिलेटेड प्रोडक्ट्स की। रिलेटेड प्रोडक्ट्स में दो प्रोडक्ट्स आते हैं, वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड अनदर इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ये हुआ कि दो गुड्स हैं। दो गुड्स कौन से? गुड्स ए एंड गुड्स बी, जैसे टी एंड कॉफी, ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। अब अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बढ़ेगा तो हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ पर बढ़ जाएगी आएगा, ठीक है। तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ काम करता है राजे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या हुआ? जो एक साथ यूज हो रहे हैं, जैसे पेन एंड इंक। अगर इंक के प्राइजेस कम हो गए तो उसके उसमें डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाएगी, है ना। किसकी? दूसरी की। पेन की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ज्यादा हो जाएगी आएगा, समझ आ गई ना। नेक्स्ट, उसके बाद अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, साइज पॉपुलेशन कम है तो डिमांड कम है। एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? मतलब अगर पॉपुलेशन में ओल्ड पीपल ज्यादा रहते हैं तो मेडिसिन की कंजम्पशन ज्यादा होगी, लेकिन अगर बच्चे ज्यादा रहते हैं तो टॉयज की कंजम्पशन ज्यादा होगी। लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या है? जीडीपी कैसा है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गुड, कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? इनकम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है? अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो परचेजिंग पावर सबके हाथों में है इक्वली, वरना सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में है अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्रेडिट फैसिलिटीज कस्टमर को अवेलेबल है या नहीं है? अगर लोन इजीली अवेलेबल है तो कंज्यूमर जो बिजनेस है वो प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, डिमांड भी बढ़ेगी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं? गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करना चाहती है, गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस कम कर दिए, टैक्सेस कम करने की वजह से कंज्यूमर का खर्चा बच गया, उसने अपनी डिमांड बढ़ा दी। तो ये कुछ अदर फैक्टर्स थे जो आपके डिमांड को डिटर्मिन करते हैं, जिसको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है। सो ये हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।